हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूं अमित, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद अमित का एक नया एपिसोड, और जो कि हम आज आपको दिखाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि है हमारा चारबाग से। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम चारबाग वाली रोड पे हैं एंड दुर्गापुरी स्टेशन के पास, और हम आज चलेंगे अमीनाबाद की तरफ। तो हम आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नए हैं तो, एंड वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अमीनाबाद की तरफ, एंड आप पुराने वीडियोस हमारे चेकआउट कर सकते हैं लखनऊ सिटी के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके एंड आई बटन पे। सो आइए चलते हैं, देखते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम चारबाग, ये सामने सीधे जो रोड जा रही है वो चारबाग से हमने लेफ्ट ले लिया, एंड ये रोड हमें कनेक्ट कर देगी सीधे। हम बांस मंडी होते हुए जाएंगे तो ये रोड हमें गौतम बुद्ध मार्ग से कनेक्ट करेगी, और उसके पहले आपको नाके वाली रोड भी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, सायोना रेजिडेंसी होटल है, तो काफ़ी बड़ा होटल है यहाँ पे, काफ़ी नैरो रोड में, एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे आप फंक्शंस भी प्लान कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे मोस्टली हर समय। तो अभी हम मेरे राइट साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हमारा चारबाग बस स्टैंड की बिल्डिंग थी, एंड ये देखिए हम आगे आ चुके हैं अभी। तो ये यहाँ पे आपको काफी सारे होटल्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप, जैसे कि तो अभी हम स्ट्रेट चलेंगे यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगेन हमारी लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो नाका चौराहा आ जाएगा, नाका हिंडोला की तरफ लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में चारबाग रेलवे स्टेशन। तो आप देख सकते हैं इधर चारबाग के लिए आप जा सकते हैं, लेफ्ट ये नाके की तरफ आप जा सकते हैं, नाका की जो मार्केट है, नाका हिंडोला, बट हमें स्ट्रेट जाना है गौतम बुद्ध मार्ग की तरफ, एंड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पांदरीबा क्रॉसिंग भी है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, तो काफ़ी कंजेस्टेड। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आएँ, एंड हम भी अपनी गाड़ी लेके नहीं आए हैं, हम भी टैक्सी से आए हैं, तो यहाँ पे पार्किंग एंड ऑल दैट बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो रिकमेंडेड यही है कि यहाँ पे आप बाइक या स्कूटी से ही आएँ, और या तो टैक्सी लेके आएँ। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, टेम्पो स्टैंड है ये, तो ये टेम्पो स्टैंड आपका इधर की साइड पड़ता है, ये सीधे लेफ्ट साइड में बांस मंडी एंड राइट साइड में चारबाग। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे, ये हमारा गौतम बुद्ध मार्ग है, एंड ये हमें कनेक्ट करेगा सीधे बांस मंडी चौराहे की तरफ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है इधर मार्केट, एंड ये राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा फेमस होटल है मोहन होटल राइट साइड में, एंड अगेन ये राइट साइड में जो रोड जा रही है एपी सेन रोड, ये सीधे आपको चारबाग से हजरतगंज वाली रोड पर कनेक्ट कर देगी, एंड ये हमारी पूरी यहाँ पे बांस मंडी के पास की जो मार्केट है। ये रोड पैरेलल चलती है, जो नाके वाली रोड मैंने आपको दिखाई थी पहले, उसके पैरेलल ही ये रोड चलती है, एंड वो जाएगी आपकी गणेशगंज होते हुए और रकाबगंज की तरफ भी जाती है, और ये हमारी रोड जाएगी सीधे कैसरबाग, आगे से इसको लाटूस रोड भी कहा जाता है। तो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, जो कि बहुत ही पुराना कॉलेज है ये, तो देख सकते हैं ये, एंड ये देख सकते हैं आप, ये जो नया फ्लाईओवर बना है, तो ये हमारी, ये देख सकते हैं हुसैनगंज की तरफ से आते समय उधर से आप आएंगे तो सीधे आपको नाके क्रॉस करके निकाल देगा, तो बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट हो गया है अब यहाँ से आने के लिए, तो इसी वजह से, नहीं तो पहले और भी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता था। तो आपने देखा फ्लाईओवर अभी बहुत ही रिसेंटली बना हुआ है। तो ये हमारी फ्रेंड्स लाटूस रोड है, एंड ये सीधे कैसरबाग चौराहे तक हमें कनेक्ट करेगी, बट हम श्रीराम रोड की तरफ जाएंगे अमीनाबाद मार्केट में, तो हम आपको दिखाते हैं। एंड अगेन फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि सबको हेल्प मिले एंड सब इस वीडियो का
बेनिफिट ले सकें। तो ये हमारी राइट साइड में आप जो देख रहे हैं मार्केट, ये इधर की तरफ निक्सन मार्केट है, ये जो होटल्स हैं इसके बैक साइड में, तो यहाँ पे भी काफ़ी, ये श्री राम नारायण तिवारी जो हमारे बहुत पुराने यहाँ पे चाट का जो वो था दुकान, तो यहाँ पे आपको टिक्की और पानी के बताशे मिल जाते हैं, तो काफ़ी पुरानी दुकान है। तो दोनों साइड आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाटूस रोड की मार्केट स्टार्ट है एंड यहाँ पे आपको हर तरीके का सामान मिल जाता है, कपड़े से लेके एंड एवरीथिंग, एंड अच्छे रेट्स पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे आप जब भी प्लान करें आने का तो अवॉइड करें सैटरडे एंड संडे को, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। एंड ये कसाईवाड़ा मार्केट राइट साइड में, ये कसाईवाड़ा क्रॉसिंग थी, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो कि हम ओल्ड लखनऊ पे बना रहे हैं चारबाग से इस तरफ आने में। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको, तो हम आगे का भी और वीडियोस बनाएंगे चौक की तरफ के। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रोड्स थोड़ी नैरो हैं ट्रैफिक के हिसाब से, रोड्स इतनी नैरो भी नहीं है बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि उसके हिसाब से आपको रोड्स काफ़ी नैरो लगेंगी, एंड शॉप्स आपको दोनों तरफ मिल जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया हो जाता है ये। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही आपको पास पास मिलेंगे सारे बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। तो ये राइट साइड में हिवेट रोड है जो सीधे हुसैनगंज की तरफ जाती है, ये सीधे हमको हुसैनगंज की तरफ कनेक्ट करेगी राइट साइड में। एंड अभी आप देख सकते हैं हम आगे आ चुके हैं, तो अभी हम नॉर्मली थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम है ये, तो इस वजह से इतना ट्रैफिक जैम आपको नहीं दिख रहा है, बट नॉर्मल आप किसी भी टाइम यहाँ पे आएंगे आफ्टर 11 AM आपको हर समय ट्रैफिक जैम मोस्टली मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल इन सब की काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी, और ये देख सकते हैं आप विद्यांत हिंदू PG कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज, तो यहाँ पे विद्यांत कॉलेज है जहाँ पे डिग्री एंड स्कूल के कोर्सेज होते हैं, तो काफ़ी पुराना ये कॉलेज है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बोर्ड इसका आपको उतना नहीं सही लगेगा, काफ़ी पुराना बोर्ड भी है, तो ये देख सकते हैं आप, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, विद्यांत कॉलेज जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस कॉलेज है और काफ़ी अच्छा भी है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ से सारी मार्केट्स जैसा कि पहले से ही चल रही थी, तो मैंने कि जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी शॉप्स हैं, हर तरह का मटेरियल मिलता है एंड बहुत ही अच्छे रेट्स पे आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा विद्यांत क्रॉसिंग है, आप देख ही रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है हमें यहाँ से निकलने में, एंड ये देख सकते हैं दोनों साइड्स आप शॉप देख सकते हैं, एंड यहीं पे चाइनीज़ डेंटल क्लिनिक है जो कि वो भी काफ़ी पुरानी है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं श्रीराम रोड पे, देख सकते हैं आप, अब हम यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये सीधे हम अमीनाबाद और यही रोड सीधे आप जाएंगे तो गड़बड़झाला मार्केट की तरफ जा रहे हैं, जा सकते हैं। एंड हमें क्योंकि मंदिर की तरफ जाना है अंदर, तो हम यहाँ से राइट लेंगे एंड यहाँ पे आपको पूजा की एंड इन सब की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, ये देख रहे हैं आप मेरे दोनों साइड में पूजा की शॉप्स हैं, पूजन वाली, पूजन भंडार जो बोलते हैं, एंड ये हमारी अमीनाबाद की मार्केट है पूरी, तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग का थोड़ा टाइम है इस वजह से अभी आपको उतनी भीड़ नहीं दिख रही होगी, बट नॉर्मल कोर्स में यहाँ पे आपको चलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है सैटरडे संडे के दिन स्पेशली। तो फ्रेंड्स हम आगे आ चुके हैं, ये देखिए, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया तरह का मटेरियल मिल जाता है, सामान काफ़ी अच्छा मिल जाता है, अच्छे रेट्स पे मिल जाता है,
एंड वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं आप सामने मंदिर है जो अमीनाबाद मार्केट का, एंड ये पूरी मार्केट है फ्रेंड्स। तो आप बताइए कैसा लगा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।